हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रौनक्स रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट ब्राउनीज़ की रेसिपी। एंड यू नो इट्स वेरी वेरी डिलिशियस, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है अंदर से। एंड इसके साथ सर्व किया है हमने वनीला आइसक्रीम। बोथ द कॉम्बिनेशंस आर सो सो डिलिशियस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एक केक टिन लेना है जो ओवन सेफ हो। तो यहाँ पे मैंने 2-3 लिया है, पता नहीं क्यों मैंने सोचा बैटर ज़्यादा हो तो मैं इसमें पोर कर लूँगी। तो यहाँ केक टिन को आपको सबसे पहले ग्रीस करना है ऑयल या बटर से। एंड फिर आपको लेना है बटर पेपर अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ योर केक टिन, जितना इसका साइज़ हो उसी के हिसाब से आपको कट कर लेना है। एंड देन इसको सेंटर में प्लेस कर दीजिए। एंड देन यू हैव टू अगेन अप्लाई बटर और ऑयल। इससे क्या होगा, आपका केक अच्छे से निकल जाएगा बाद में। नाउ यू हैव टू टेक, अब आपको केक टिन साइड में रख देना है। एंड नाउ यू हैव टू टेक डार्क कंपाउंड चॉकलेट। यहाँ पे मैंने 2 लिया है, 2 स्लाइसेस ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट। एंड इसे कट कर लेना है इस तरीके से नाइफ से, या आप इसे मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी इसे मेल्ट करूँगी। तो इसके लिए आपको लेना है माइक्रोवेव सेफ बोल। यू कैन टेक माइक्रोवेव सेफ बोल एंड माइक्रोवेव में आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप क्या करें, आप डबल बॉयलर मेथड से आप अपने चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं, वो बहुत इजीली हो जाएगा। मेरे प्रीवियस ब्राउनी के वीडियो में मैंने अपलोड किया है हाउ टू मेक ब्राउनीज इन गैस स्टोव, तो उसमें आपको प्रॉपरली सब पता चल जाएगा आप गैस में कैसे बनाएंगे। तो आप उसमें देख लीजिए, वो वीडियो मैं लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो अभी इसमें मैंने ऐड किया है बटर एंड ऑयल थोड़ा सा, बिकॉज मेरे पास बटर कम था। तो आप चाहे तो पूरा बटर इसमें ऐड कर सकते हैं, हाफ स्लाइस ऑफ बटर जो आता है 100 ग्राम्स पैकेट का अमूल बटर, उसको डाल के आपको मेल्ट कर लेना है। तो मेरे पास बटर थोड़ा कम था तो मैंने इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया। एंड नाउ इसको मैंने 1 या 2 मिनट तक मेल्ट कर लिया, 1 मिनट तक इनफ है, मेल्ट कर लिया मैंने माइक्रोवेव में। एंड मेल्ट करने के बाद ये साइड में रख दीजिए, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, अभी मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। नाउ यू हैव टू टेक अनदर बोल एंड इसमें आपको ऐड करना है, ये है पाउडर्ड शुगर, इसे मैंने घर में बनाया है, शुगर को ग्राइंड कर लिया। एंड नाउ यू हैव टू जस्ट सिफ्ट ऑल द, तो यहाँ पे मैंने टोटल 300 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर लिया है एंड ये अनदर 60 ग्राम है, टोटल मिला के 300 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर मैंने लिया है। अच्छे से इसे सिफ्ट कर लेना है ताकि इसमें कोई क्रिस्टल फॉर्म ना रहे, इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है अगर कुछ भी इसमें क्रिस्टल हो। एंड ये फाइन पाउडर शुगर रेडी हो जाएगा। नाउ यू हैव टू ऐड 3 eggs। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का एग ऐड कर दिया है, तो मैंने एग्स को निकाल के रख दिया था। और ये रूम टेम्परेचर का जब हो जाए तब आपको इसको you have to add this and now you have to again whisk again with, you can also use a machine here but I also have a machine but I am not using that। आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं एंड इस टाइप का फोमी हो जाएगा जब ये रेडी हो जाएगा। नाउ यू हैव टू ऐड वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड किया है 2 teaspoon। इससे क्या होता है, ये रिमूव करता है सारे जो एग की स्मेल होती है वो रिमूव हो जाते हैं, तो यू हैव टू ऐड दैट। नाउ यू हैव टू ऐड चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और इसमें बटर भी था तो दोनों को अच्छे से मिक्स करके ऐड कर दीजिए। और इतना आपको बचा के रखना है वो मैं बताऊंगी आपको क्या चीज़ में यूज़ करना है। सो नाउ आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स आपको किस चीज़ में यूज़ करना है ये चॉकलेट। सो टिल देन यू हैव टू अगेन मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, अच्छे से विस्क कर दीजिए। अभी इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, सो अगेन वी हैव टू सिफ्ट ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना है। सो ये सिफ्ट करना है, यू हैव टू ऐड ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। ये मैंने लिया है 150 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, एंड इसे अच्छे से सिफ्ट कर लेना है, दैट देयर शुडंट बी एनी लम्स इनसाइड योर बैटर, इसलिए अच्छे से सिफ्ट कर लीजिए। नाउ यू हैव टू ऐड 60 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, ये मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा और भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया बिकॉज इसमें ऑलरेडी चॉकलेट है। एंड नाउ यू हैव टू ऐड बेकिंग पाउडर 1/2 teaspoon और 1/4 teaspoon एंड सॉल्ट, बिल्कुल अ पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करना है टू बैलेंस द फ्लेवर। एंड अच्छे से सभी को विस्क कर दीजिए एंड देयर शुडंट बी एनी लम्स, इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करना है यूजिंग अ विस्क। और यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पैचुला टू विस्क एवरीथिंग टुगेदर, अच्छे से कंबाइन करना है। तो मेरे साथ यहाँ पे स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। तो स्पैचुला की मदद से आप लोग अच्छे से मिक्स कर दीजिए ये बैटर। जब ये पूरी अच्छे से इंग्रेडिएंट्स इक्वली डिजॉल्व हो जाएगा तब ये आपका बैटर रेडी हो जाएगा, बिकॉज आई हैव एडेड ऑल द इंग्रेडिएंट्स इनसाइड इट। तो ये बैटर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया
एंड ये डिवाइड एंड फोल्ड मेथड से ये बैटर रेडी हो गया है. तो नाउ आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सो गाइस यहाँ पे मैंने ओवन ऑन कर लिया है. ओके सो यू हैव टू टेक द ग्रिल रैक लाइक दिस एंड कीप इट इन द लोअर रैक. लोअर रैक में रखा है मैंने बिकॉज नीचे से भी गर्म होगा ऊपर से भी गर्म होगा. एंड जस्ट क्लोज दिस एंड मेक श्योर देयर इज नथिंग इनसाइड इट. क्लोज द डोर एंड यू हैव टू जस्ट स्टार्ट बाय फर्स्ट यू हैव टू प्री हीट द ओवन. सो सेलेक्ट द फंक्शन बटन एंड टेक इट डाउन टू द प्री हीट मोड एंड द टाइम इज ऑलरेडी गिवन 10 मिनट्स एंड टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट. ओके एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट द ओवन इज प्री हीटेड एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बेक. So my batter is nice and smooth like this and yeah it should be little thicker than the cake batter. Cake batter is a little bit thinner like this I mean. And yeah now you have the cake mold which you have already greased. Apply the butter on it and after this you have to pour the batter half on this and little bit on the other one. And you can also add chocolate chips if you want. Just spread it equally. It will be full. I think I should make the brownies in this one. Because my batter is very thick and if I will add in the other side it will be very thin slice of brownies. That's why I'm adding all the batter inside this. So see I am preheating the oven and 5 minutes still left. You have to preheat the oven for 10 minutes. Till then you have to tap the batter once like this. Tap the container so that the air bubbles comes up like this. So guys yahan pe preheat ho gaya oven acche se bahut zyada garam hai and you have to wear the glove. So guys abhi oven bahut garam hai. Gloves pehen ke aapko khulna hai ye and 3 times mein khulna hai and uske baad aapko ye tong pakad ke nikalna hai. It's very hot and then you have to place the cake tin. Yeah this is the cake tin and ye dekhiye ye isme केक में प्लेस करने जा रही हूँ. काफ़ी गर्म है. ऑलवेज वेयर ग्लव्स वाइल कुकिंग एंड नाउ यू हैव टू प्लेस दिस एंड जस्ट क्लोज द डोर वेरी जेंटली. इट्स इन द परफेक्ट पोजिशन. मिडिल में रखना है एंड नाउ यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी बेकिंग मोड सेलेक्ट करना है. सो अगेन प्री हीट तो हो गया था अच्छे से. बेक मोड में मैंने सेलेक्ट किया 30 मिनट्स फॉर 180 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एंड आपको लाइट तब जलाना है जब आपको चेक करना हो. अभी मैं लाइट रहने देती हूँ बट अदरवाइज हाई हीटिंग की वजह से यू शुड ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट. तो उसमें भी वो बनेगा बट अभी मैं जला देती हूँ. लेट्स सी. अब ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है. आई थिंक 6 मिनट बचा है बट आई थिंक ये कुक हो गया. देखिए क्रैक्स आ गए. आई विल जस्ट स्टॉप दिस. 6 मिनट्स स्टिल लेफ्ट बट आई नीड टू स्टॉप दिस. आई हैव टू चेक दिस के ये अब से ग्लव्स पहन के यू हैव टू ओपन दिस एंड इट्स वेरी हॉट. बी केयरफुल एंड ओपन दिस एंड यूजिंग अ होल्डर यू हैव टू टेक दिस आउट. सी इट्स वेरी हॉट. केक इज आई मीन द ब्राउनी इज कुक्ड वेरी वेल. यू कैन सी हियर गाइस ये काफ़ी गर्म है. अभी इसे आपको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है एंड यू हैव टू चेक बाय इंसर्टिंग अ टूथपिक और अ स्क्यूअर स्टिक. आई एम चेकिंग बाय इंसर्टिंग. आई थिंक ये कम्प्लीटली कुक हो गया. ये देखिए ये चॉकलेट है जो अंदर से मेल्ट हुआ है. बहुत ही अच्छे से बन चुका है ये. आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली बहुत अच्छे से बन गया. मैं सब तरफ से इसे चेक करिए बहुत अच्छे से बन गया. अब इसे ठंडा होने देना. बहुत गर्म है ये बहुत ज़्यादा. अभी इसे एटलीस्ट फॉर 10-20 मिनट्स यू हैव टू टेक दिस. सो गाइज अब हमें इसे ये बहुत गर्म है अभी भी गर्म है बट इसका एजेस मैं रिमूव कर लेती हूँ. तो इस नाइफ के हेल्प से यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द एजेस एंड इट्स अ फजी ब्राउनी चॉकलेटी फजी ब्राउनी एंड यू कैन ऑल्सो डेकोरेट दिस. नाउ फ्लिप टू द अदर साइड. इट्स हार्ड ग्रेट. सो नाउ आई हैव रिमूव फ्रॉम द एजेस. नाउ टेक इट आउट इन द प्लेट लाइक दिस. सी वी हैव अप्लाइड बटर पेपर सो दैट इट डज नॉट गेट स्टिक लाइक दिस एंड इट केम आउट सो प्रॉपरली. Now remove the butter paper also. So let's remove it. Remove all the butter paper from all the sides and just throw it away. Remove all. So see, so nice and fudgy brownie is ready. Be careful, it's very very fudgy and dark compound chocolate. It's very full of compound chocolate. See, it's cracked from inside because there's chocolate all over and you have to just flip it to the other side. You can see how soft it is. It's very soft and very chocolatey. Now we have to take a knife and we will divide into each part. So here I will cut into 4 parts. First like this. It's fudgy and chocolatey brownie. Cut from all the sides. And you can see here, yeah, this is chocolate. Cake is properly like this. You have to cut into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parts, okay? And this is the chocolate, the amount of chocolate oozing out from the inside. Just here, just look at here. This is the chocolate coming out.
इट्स वेरी चॉकलेटी एंड सॉफ्ट ब्राउनीज. यू हैव टू ईट दिस विथ आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, और यू कैन ईट विथ सम चॉकलेट सॉस. नाउ लेट्स डेकोरेट दिस. नाउ टर्न टू द अदर साइड बिकॉज इट्स फजी चॉकलेट ब्राउनीज एंड वी विल जस्ट डेकोरेट दिस नाउ. सो गाइज, लुक एट हियर, वी हैव कट दिस इन टू all the pieces and this is the best chocolate fudgy brownies you can ever have. You will ever have this, so definitely try this recipe. I'm recommending you to try this recipe and do like, share and subscribe to my channel. And I will just have this with ice cream, vanilla ice cream, because and ice cream I have bought from outside. Aap koi bhi shop se khareed sakte hain. And so guys, it's time to decorate the brownies with ice cream. So now let's serve this. Ise serve karte hain ice cream ke saath. To maine yahan pe best pieces nikal liya hai. Actually sab kuch सभी ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी है. एंड नाउ यू हैव टू ऐड आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ द ब्राउनीज़ एंड इसी तरीके से सबको सर्व करें. आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमानों को. एवरीवन विल लव इट. एंड ये जो सॉस मैंने बचा के रखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था, उसे आपको ऊपर से ड्रिजल कर देना है लाइक दिस एंड इट विल बी सो टेम्पटिंग. सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. एवरीवन विल श्योरली लव दिस रेसिपी. आई एम टेलिंग यू, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. ये देखिए, मैं अपने मेहमानों को सर्व कर रही हूँ. मेरे घर में भी गेस्ट आए थे तो मैंने सबको सर्व कर दिया है. एंड इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाएं ब्राउनीज़ की रेसिपी. आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा. एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. एंड ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.